गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एकदम दस मिनट में बनने वाली रेसिपी, वो भी हेल्दी टेस्टी और एकदम ज़बरदस्त। मतलब ये सोच लो, जिस जिसको चुकंदर से प्यार नहीं होगा ना इस रेसिपी के बाद, कसम से वो बोलेगा मुझे हर दूसरे दिन चुकंदर और बीट रूट खाना है। तो क्योंकि मैं भी नहीं खाती थी, मुझे बहुत अजीब लगता था बीट रूट, मतलब मुझे ना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, ना तो सैलेड में ना ही सब्जियों में। तो ये वाली रेसिपी जो मैंने इन्वेंट की है, ये मैंने खुद से बनाई है, मतलब मेरा खुद का इन्वेंशन है। और इसके बाद से तो ना मैं बीट रूट की फ़ैन हो गई। मुझे मटर पनीर ये सब मेरा मतलब एकदम छूट चुका है, मैंने बीट रूट को इतना ज़्यादा मेरा फेवरेट हो गया वो। तो आओ फिर बातों को छोड़ के जल्दी से स्टार्ट करते हैं वाली रेसिपी। इसके लिए आपको चाहिए सबसे पहले बीट रूट को अच्छे से धो के, पर उसे धोने से पहले अपने हाथों को अच्छे से धो, फिर सब्जियों को काटो। लाइक जैसे कि आप प्याज को रफली चॉप कर लो और टमाटोज को भी रफली चॉप कर लो। उसके बाद बीट रूट को कद्दूकस करना, मोटा मोटा मत करना, जैसे कि चॉप वगैरह मत करना, उसको कद्दूकस ही करना, वरना मुंह में आएगा तो वो अजीब सा लगेगा। फिर उसको कद्दूकस करना बीट रूट को। उसके बाद क्या करना है, कढ़ाई गरम करना, कढ़ाई के अंदर तेल डालना, तेल के अंदर जीरे को चटकाना, हल्का सा ब्राउन करना। उसके बाद उसमें डाल देना प्याज और टमाटर, और उसको बिल्कुल भी ज़्यादा ब्राउन मत करना, हल्का हल्का सा ब्राउन करना। उसके बाद उसमें डालना नमक, मिर्च, हल्दी थोड़ी सी, थोड़ा सा कोरिएंडर पिसा हुआ, और फिर थोड़ा सा गरम मसाला। उसके बाद उसको हल्के से भूनते रहना, भाई साहब इतना मत भून देना कि वो जल के राख हो जाए, इतना भूनना जब तक उसका पानी सारा गायब हो जाए और तेल बाहर आ जाए, वो बोले मैं यहाँ हूँ, और बस तभी आपको मिलाना है। ये टाइम सबसे अच्छा है, इसी टाइम आपको मिलाना पड़ेगा अपना कद्दूकस किया हुआ बीट रूट। और बीट रूट को मिलाने के बाद आपको जो सिंपल सा कुछ एक ऐसा करना है काम, आपको उसमें थोड़ा सा पानी डालना है, और फिर 10 मिनट रखने के बाद इसको ढक, मतलब 10 मिनट तक रखना इसको ढक करके, ठीक है। और फिर बीच बीच में देखते भी रहना, कभी जल जाए ये बीट रूट की सब्जी का सब्जा बन जाए पूरा, ठीक है। उसके बाद 10 मिनट तक में आपका ये बीट रूट जो है वो बिल्कुल बनके हो जाएगा तैयार। और जब वो तैयार हो जाए तो उसे खोलना, फिर लिड को खोलने के बाद देखना कि बीट रूट में से अलग अलग तेल हो गया, मतलब अच्छा सा हो गया है वो दिखने में। उसके बाद क्या करना, फिर धनिया को अपने फ्रिज से निकालना और इसको धोना और बारीक बारीक काटना, और ऊपर से खूब अच्छे से डाल के धनिया, फिर गरम गरम रोटियां पकाना और खाना इसके साथ। और मुझे ज़रूर बताना कि ये वाली रेसिपी कैसी लगी, और ऐसी ही हेल्दी टेस्टी और जल्दी झटपट बनने वाली रेसिपीज अगर चाहिए तो मुझे फॉलो करना पड़ेगा यार, ठीक है। तो डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, और फिर से मिलूंगी मैं आपको ऐसी ही प्यारी सी रेसिपी के साथ। आज के लिए इतना ही, कल को मिलते हैं फिर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को स्किप करना मत, ठीक है। बाय, टेक केयर।